हेलो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा विषय लेकर आया हूँ। ज्यादातर हिंदी वाले बच्चे अपने आप में यह सोचकर बहुत घबराते हैं कि हिंदी मीडियम में MBBS की तैयारी हम कैसे करें। तो आज के इस सत्र में मैं आप लोगों का मनोबल बढ़ाऊंगा, आप लोगों को वास्तविकता से परिचय करवाऊंगा और एक मार्ग दिखाऊंगा कि हिंदी मीडियम में बेशक आप लोग क्यों ना हो, बट MBBS की तैयारी आप जम के कर सकते हैं। और MBBS में तैयारी ही नहीं, मैं आप लोगों को आज के सत्र में यह बताने वाला हूं मेरे बच्चे कि तैयारी के साथ साथ आप MBBS में एक अच्छी रैंक हासिल कर एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों के दिमाग में कई सारी ऐसी दुविधाएं आती हैं कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को तैयारी करने का अच्छा मौका नहीं मिलता। या फिर सबसे बड़ी दुविधा तो बच्चों के दिमाग में यही आती है कि यार अभी तो हम लोग हिंदी मीडियम में रैंक हासिल कर लेंगे, लेकिन नीट में एडमिशन लेने के बाद हम लोगों को पूरी की पूरी डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में करनी पड़ेगी। और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा टेंशन में आते हैं और उनकी तैयारी उस स्तर तक नहीं हो पाती है जिस स्तर तक उनकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो एक बात जानता हूं कि चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, चाहे मराठी हो, और चाहे हरियाणवी हो, चाहे पंजाबी हो, अरे कोई भी भाषा हो, भाषा तो भाषा है ना। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ सच बताने वाला हूं और सुनने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आएगी, तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा और तुम लोगों को एक मार्ग दिखेगा और तुम उस मार्ग पर अवश्य चलने का प्रयास करोगे। क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ आप बीती व्यक्त करने वाला हूं। अपने जीवन में मैंने जो भी हिंदी और इंग्लिश को लेकर कठिनाइयां झेली हैं, उन कठिनाइयों के ऊपर मैंने किस तरह से विजय प्राप्त करी है, वो आपके साथ आज के इस सत्र में शेयर करने वाला हूं बेटा। लेकिन आगे चलने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं कि मैं कौन हूं, क्या आप लोगों को कराता हूं और किस तरीके से आपको आगे लेकर जाने वाला हूं। बेटे, नाम मेरा निखिल गोयल है और मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूं और भारत के अंदर मैंने लाखों बच्चों को मेंटर किया है। बच्चे मुझे अपना मेंटर भी मानते हैं और मेरे कहीं पढ़ाए हुए बच्चे IIT जैसे संस्थान से अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो डॉक्टरी के और जेई मेन्स दोनों बच्चों को पढ़ाता हूं और एम्स और MAMC जैसे कॉलेज से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी मेरे कई स्टूडेंट कर रहे हैं। मैंने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास किया है और वो प्रॉब्लम मैंने अपने जीवन में भी देखी है। तो जो भी बात मैं तुमसे आज के सत्र में करने वाला हूं ना, वो हवा हवाई नहीं जाने वाली है, वो पूरी की पूरी वास्तविक रूप से आप लोगों के समक्ष आएगी। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको सुनना ही नहीं है, बाद में अपने जीवन में उतारिएगा, तुम लोगों को अपने ऊपर चेंज नजर आएगा, इंशाल्लाह आएगा। उसी के साथ मैं बताना चाहता हूं मैंने एक किताब भी लिखी है। तो बेटे, मैं एक ऑथर भी हूं और अभी हाल ही में मैंने एक रिसर्च करी है, तो मैं एक रिसर्चर भी हूं जो भारत में आने वाले समय में अच्छे नाम से विख्यात होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो पिछले 7 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, बच्चों को सिखा रहा हूं। तो अभी बात आती है सबसे पहले कि आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप लोगों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता होगा, क्या हम हिंदी मीडियम में रहकर नीट के पेपर को अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या हिंदी मीडियम में रहकर हम लोग MBBS की पढ़ाई अच्छे स्तर तक कर सकते हैं? क्या हिंदी मीडियम में होने के बावजूद हम भारत के उन सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में अपना नाम ला सकते हैं? क्या हिंदी मीडियम में होने के बावजूद हम अपना सपना और अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हो। सबसे पहले तो बात आती है मेरे बच्चे, मैं आर्मी ट्रेनिंग से बिलोंग करता हूं जी। मैंने आर्मी ट्रेनिंग करी है और मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं करी थी। तो हम जब आर्मी की ट्रेनिंग में थे ना, तो उन्होंने हमको एक बात हमेशा कही थी और ये फैक्ट हम लोगों ने अपने जीवन में देखा भी है, आपको मैं प्रूफ देने वाला हूं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि कभी भी गौर देना, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है ना, उसकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है यदि वो कोशिश करता है, क्योंकि दोनों भाषाएं हैं। और ये बात मैंने स्पष्ट रूप से जानी, कैसे जरा देखते हैं। आप लोगों ने पुराने जमाने के बुजुर्गों को देखा होगा और उन बुजुर्गों की एक आदत होती थी, ज्यादातर बुजुर्ग आपके आमने सामने होते होंगे और कभी देखिएगा उन बुजुर्गों की, यदि हिंदी बहुत अच्छी है ना, एक हिंदी होती है नॉर्मल भाषा, भाई कहां को जा रिया है, अरे का कर रहे है, वो नहीं, सिंपल जो हिंदी भाषा होती है, हिंदी के शब्दों का उपयोग करना, नॉर्मल भाषा नहीं, हिंदी के शब्दों का उपयोग, आप समझिए हिंदी का ज्ञान होना। उनको अंग्रेजी का भी ज्ञान होता था, हाँ ऐसा होता था, क्योंकि बचपन से वो दोनों चीजें पढ़ते थे और आप लोगों ने भी दोनों चीजें पढ़ी है। स्पष्ट
स्पष्ट रूप से आपने हिंदी पे ज्यादा फोकस करा है और आजकल हिंदी के माध्यम में ही अपनी किताबों को पढ़ रहे हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है जिसको अंग्रेजी आती है। आप ऐसे नहीं हो जिसको अंग्रेजी नहीं आती, आपको आती है, हाँ इतनी नहीं आती बट आती तो है। मैं अभी एक उदाहरण देता हूं। दोस्तों में आप लोग मिलते हैं, अभी कोई लड़का मिलता है तो यही बोला जाता है, और भाई कैसा है, और कोई लड़की मिलती है तो फिर सेंटेंस अपने आप ही मुंह से निकलता है, हेलो हाउ आर यू। भाई होता है, इंप्रेशन इज द मेन थिंग। तो अभी आप लोगों को पता लगा हाउ आर यू का मतलब सबको पता है। इसी के साथ मैं कहता हूं, तुम रोजमर्रा की जिंदगी में ये कभी नहीं कहते कि तुम कलम से लिख रहे हो, नहीं, तुम हमेशा कहते हो तुम पेन या पेंसिल से लिख रहे हो, और मानिए पेन और पेंसिल इंग्लिश वर्ड है। अरे ये तो चलो बहुत आसान चीज हो गई है, आप लोगों ने कभी इंग्लिश की किताब पढ़ी हो अपनी तो इतना ध्यान दिया होगा, बेशक समझना है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ ना समझ आए, थोड़ा बहुत समझ आता है, और चार बारी तुम उस किताब को पढ़ो तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा। इसीलिए ये बात तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश समझ में नहीं आती। अरे बहुत हाई फाई नहीं आती, बहुत हाई फाई तो मुझे नहीं आती, बहुत हाई फाई तो मेरे प्रोफेसर को नहीं आती थी, लेकिन इतनी तो आती है कि कोशिश करने पर मैं उसको समझ सकता हूं। और आजकल है गूगल का जमाना, आप लोग गूगल पे कुछ भी किताब में से मतलब पढ़ तो सकते हो ना, इंग्लिश इतना तो सबको आता है कि तुम पढ़ सकते हो, चाहे कोई भी बच्चा हो इंग्लिश पढ़ सारे सकते हैं। तुम बोलोगे ना गूगल पे, वो टाइप होता रहेगा और उसका हिंदी में कन्वर्जन अपने आप आता रहेगा। तो मेरे बच्चे आपको इंग्लिश और हिंदी को लेकर बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। जी हाँ मैं बिल्कुल कह रहा हूं, और मैंने देखा है भारत के अंदर कई एडुकेटर्स ये बात कहते हैं कि हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई तो आगे जाकर इंग्लिश में होती है। व्हाट इज दिस यार, आपको रास्ता छोड़ना नहीं है, जरूरत आने पर रास्ता बदलना है। अभी अगर तुमने रास्ता छोड़ दिया तो भगोड़े माने जाओगे, और आगे जाकर जरूरत के हिसाब से अपने आप को उसी रास्ते पर उसी एनवायरमेंट में परिवर्तित कर लिया ना तो योद्धा मानी जाओगे। जी हाँ, तो समय के अनुसार, समय की परिस्थिति के अनुसार अपने आप का रास्ता चुनिएगा। अभी रास्ता बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोगों को पूरी गाइडेंस मिल रही है, तुम लोगों को अच्छे टीचर मिल रहे हैं, आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें फ्री में आप लोगों को हिंदी माध्यम में पढ़ाई जा रही है। जी हाँ, और मैं आपको अपने बारे में बता दूं, 2017 में मैंने नीट के पेपर के लिए हिंदी के बच्चों को तैयार कराया था यूट्यूब पर। आप मानिएगा कि मेरे बताए हुए में से 18-17 क्वेश्चन आपके नीट में एज इट इज आ गए थे, और जिन बच्चों ने YouTube के माध्यम से मुझसे तैयारी करी थी वो बच्चे आज अच्छी रैंक हासिल करने के तादाद पर आ चुके हैं। जी हाँ, तो हिंदी माध्यम वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे नीट विजय चैनल पर, जिस चैनल पर मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, उसी चैनल पर भौतिकी के लिए मैं तमाम लेक्चर दे चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक वीडियो का लिंक मिलेगा कि 4 महीने में नीट का पेपर कैसे क्रैक करें। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने YouTube पर और अनअकैडमी की ऐप पर स्पेशल क्लासेस में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या पढ़ाया है। और मानिएगा, बच्चे मुझे ये बात कहते हैं, जो बच्चे पिछले 2.5-3 महीने से मेरे साथ जुड़े हैं, कि सर इन 2.5-3 महीनों में हमारी जीवन में परिवर्तन आ गया। पहले हम सोचा करते थे कि हिंदी में होगा होगा होगा, अब हम सोचते नहीं है, अब हम कर देते हैं। तो इसलिए तुम लोगों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि तुम हिंदी स्टूडेंट हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी नीट के पेपर पे फोकस करो, और जब नीट में पहुंच जाओगे ना, जब तुम्हारे सामने इंग्लिश का भंडार आएगा तो भी मत घबराना, क्योंकि ये मानकर चलना कि तुम्हारे अंदर एक इंग्लिश का कीड़ा बैठा है, जो बिल्कुल तो नहीं बट थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है, और आजकल तो गूगल बाबा का सहारा है। डर क्यों रहे हो, 6 महीने की बात है, उसके बाद तुम इंग्लिश के माहौल में ढल जाओगे। और मैं तो अभी भी कहता हूं, रोजाना 4 बजे इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स चला रहा हूं फ्री में, तो आप मेरे साथ रोजाना क्रैश कोर्स में जुड़िए, और मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने बाद तुम लोगों को इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि मैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाता हूं और मेरे सारे बच्चों को समझ आ जाती है। हाँ, हिंदी के स्टूडेंट है वो, और हिंदी के स्टूडेंट को इंग्लिश भी समझ आती है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने तुमको कहा कि मेरे को आर्मी में एक बात बताई गई थी कि जिसको हिंदी आती है ना उसको इंग्लिश भी आती है, ये सच है। समझने की प्रयास करने की आवश्यकता है, वो तुम कर ही लोगे, क्योंकि नौजवान हो मेरे प्यारे बच्चे। दूसरी बात, कई एडुकेटर ने ये तुमको बोल रखा है कि तुम लोगों को अपना रास्ता छोड़ने की जरूरत है, हिंदी से इंग्लिश में आ जाओ। 2-3 रीजन दिए, क्या रीजन है मैं समझाता हूं।
पहला रीजन आया है आपके पास कि इंग्लिश वालों में बहुत सारे एडुकेटर है। बकवास। इस पर्टिकुलर रीजन के लिए यदि तुम अपना रास्ता छोड़ते हो तो तुम योद्धा नहीं भगोड़े कहलाए जाओगे, ये भी शब्द है। और भगोड़े कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, ये बात याद रखना, भागते रहते हैं सारी जिंदगी। भाई इंग्लिश वालों के लिए मानता हूं दुनिया भर के एडुकेटर हैं, हिंदी वालों के लिए मानता हूं एडुकेटर की कमी है, लेकिन जितने हैं उतने तो बहुत अच्छे हैं ना। और मैं गारंटी लेता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं और जितना मैं पढ़ाता हूं, अगर तुम उतना पढ़कर आ जाते हो भौतिक क्षेत्र में, 95% एक्यूरेसी के साथ तुम क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। और ये मैं साबित कर चुका हूं, क्योंकि पिछले 3 महीने से जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने नीट के पेपर के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करना सीख लिया है। और जब भी मैं उन्हें प्रश्न देता हूं ज्यादातर बच्चे सही आंसर करते हैं। तो इस कारण से कि नीट की कैटेगरी में एडुकेटर कम है, अरे कम ही तो है, बच्चे भी तो कम है, लेकिन घबराने की क्या आवश्यकता है, जितने हैं उतने बहुत हैं। इसीलिए कह रहा हूं YouTube पे बहुत पढ़ा चुका हूं। और सबसे बढ़िया तरीका बताऊं YouTube पे मेरी वीडियोस देखने का, मेरी नहीं हिंदी मीडियम की वीडियोस देखने का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं हिंदी में, भाई आप लोगों को सर्च करना है नीट विजय, देखिएगा YouTube पे सर्च करना नीट विजय, और जिस टॉपिक को तुम्हें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम, सपोज मैं एक टॉपिक बोलता हूं ग्राफ, तो YouTube पे सर्च करना नीट विजय ग्राफ, आपको हिंदी में पूरा का पूरा ग्राफ का टॉपिक मिलेगा। सर्च करना नीट विजय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पूरा का पूरा न्यूटन्स लॉ हिंदी में मिलेगा आप तुमको। सर्च करना नीट विजय कैलोरीमीट्री, सर्च करो करो, आप लोग देखोगे कि पूरी हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट आप लोगों के समक्ष खुल के आ जाएगी। इसलिए मनोबल तो बढ़ेगा। भाई साहब हम तो इधर उधर घूम रहे थे, हमारे सामने तो पूरा के पूरी खान पड़ी हुई है। ओ तेरी तो अब तेरा भाई नीट में क्रैक नहीं, पूरी रैंक लाकर दिखाएगा। ये मनोबल आना चाहिए अंदर से तुम्हारे लिए, बहुत जरूरी है। और मेरे प्यारे बच्चे सुनो, दूसरा रीजन ये बोला गया है कि तुम लोगों को जो रास्ता छोड़ने की बात बोली गई है एडुकेटर्स द्वारा, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा बट गलत बात लगी मुझे, तो हिंदी से इंग्लिश में आने का दूसरा कारण था कि तुमको आगे तो इंग्लिश में ही पढ़ना है। अरे भाई क्या है, मैंने दो एडुकेटर्स की वीडियो देखी, उन्होंने मुझे इस बात के लिए बहुत फोर्स लगाया गया है कि हिंदी से इंग्लिश में आ जाओ, क्योंकि एडुकेटर बहुत कम है हिंदी में, तो उसका सॉल्यूशन तो मैंने तुम्हें दे दिया। दूसरी बात है कि आगे तो इंग्लिश में ही पढ़ना है और इंग्लिश बहुत जरूरी भाषा है। अरे किसने कह दिया, मोदी साहब को देखिए ना, योगी साहब को देखिए, इनको अंग्रेजी आती है क्या? भाई भारत के प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, डॉक्टर से तो बहुत ऊपर होंगे, ये पूरे देश को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं क्या? अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग। नहीं, आई एम नॉट एग्री विद दिस। नहीं, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी, और मैं गारंटी दे रहा हूं 3 महीने मेरे साथ बनो नीट विजय चैनल पर, 4 बजे दिन में डेली लाइव क्लास होती है फ्री में, तो अब बनो भाई, आपको इंग्लिश तो मेरे साथ साथ 3 महीने में सिखा दूंगा, इतनी तो आई जाएगी कि किताब पढ़ने लग जाओगे। आज आज मैं बोल रहा हूं ये बात और साबित करके दिखाऊंगा पक्का। तो सॉल्यूशन तो मिल गया तुम लोगों को कि हिंदी में भी एमबीबीएस की तैयारी हो सकती है, और मैंने तो हिंदी में पढ़ाया है, मेरे कई छात्र एम्स में, मेरे कई छात्र एमएएमसी में पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, बच्चों को टेंशन होती है कि कंटेंट कहाँ मिलेगा, वो मैंने बता दिया, यूट्यूब पे सर्च करना नीट विजय और किसी भी टॉपिक का नाम, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स, तीनों में से किसी का भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार के द्वारा ये बातें चल रही हैं कि आने वाले समय में आपके नीट को, मतलब नीट के अलावा एमबीबीएस को भी हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाएगा, बस। तो इतनी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, करके दिखाएंगे। क्या रैंक ला सकते हैं? जी हाँ, लाकर दिखाएंगे। और आ सको तो हमारे साथ, इंग्लिश वालों को भी कहना कि हिंदी में जुड़ जाओ, तुम लोगों को बेस्ट एडुकेटर फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। हाँ जी हाँ, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आप लोग 2023 की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को दो तीन माध्यम मिलते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। प्लस में क्या होता है, वो हर चीज मिलती है, लेक्चर, पीडीएफ, नोट्स, आउटसेशन, टेस्ट सीरीज सब। आइकॉनिक में क्या होता है कि तुम्हें मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, तुम अपने चहेते मेंटर से बात कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, जैसे फोन पे बात होती है वैसे। और अनअकैडमी, अगर तुम आइकॉनिक कोर्स में जुड़ते हो तो अनअकैडमी की तरफ से आपके घर पे बुक्स आती है, कुछ भी किसी भी तरह से जुड़ो, आपकी मर्जी है।
आप इस कोड के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए, ये हमारा कोड है योद्धा अनअकैडमी स्पेशल कोड है। इस कोड को लगाने से 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक तुम लोगों को 20% की छूट मिलती है ओवरऑल कोर्स पर। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मेरे जिगर के टुकड़े हैं और मैं अपने जिगर के टुकड़ों को उनके मंजिल तक पहुंचाकर रहूंगा, दैट इज बस। तो धन्यवाद आपका, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्या हिंदी में MBBS हो सकती है, इंशाल्लाह। और करके दिखाएंगे भाई, करके दिखाया भी है। तो चलता हूं फिलहाल, बाय।